अभी तो गर्मी का मौसम आया भी नहीं और अलवर में पानी की कमी को लेकर आमजन का आक्रोश देखने को मिल रहा है। वार्ड नंबर 11 में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय बाशिंदों ने विकास पथ पर जाम लगाया। लोगों का कहना था कि इस समस्या के लिए नेताओं से लेकर अधिकारियों तक उनको जानकारी दी गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा, इसलिए आज पानी की मांग को लेकर जाम लगाना पड़ा। वार्ड नंबर 11 में पानी की समस्या को लेकर सब्जी मंडी विकास पथ पर लोगों ने जाम लगाया। वहीं पार्षद किशन मुटरेजा ने बताया कि यहां करीब एक महीने से पानी नहीं आ रहा। कई बार जलदाय विभाग में शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि मोहल्ला हिंदूपाड़ा विकास पथ के आसपास क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा, जिससे लोग परेशान हैं और उनका आरोप है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से 5 से 7 घरों में पानी काफी मात्रा में आता है। उनका कहना था कि वहां प्रशासन की मिलीभगत से वॉल लगाया गया है, यदि उस वॉल को खोल दिया जाए तो सबको नलों में पानी मिल सकता है। पर ये नहीं कि एक घर में पानी दे रहे हैं, एक घर में है रहा है, सबको पानी चाहिए, एक घर में इतना पानी आता है, उन्होंने चाबियां खुद ले रखी है, खोलते हैं अपनी मर्जी से पानी आ जाता है, और हमारे टर्न होता है तब भी पानी नहीं आता, और बिना टर्न के तो आता ही नहीं। पूरी रात जागना पड़ता है, पूरी रात 2 बजे आएगा, 2:30 बजे आएगा, 12 बजे। यार हम इंसान है, जानवर थोड़ी है। पानी हमारी होली के बाद से हम घर को समस्या आ रही है, 1 महीना हो गया हमारे घर पानी की बिल्कुल ही नहीं आ रहा। हम लोग बहुत ही परेशान हो रहे हैं, ना हमारे घर पानी है, ना हम लोग कपड़े धो पा रहे हैं, और हम कभी कहाँ से मांगते हैं, कभी कहाँ से मांगते हैं, और धोबियों की जबकि प्लेट लगी है ना, तो उससे हमारा पानी बिल्कुल ही बंद, बिल्कुल ही रुक गया है। वो 8-10 घर की वजह से हमारे 50 घर हम लोग परेशानी भुगत रहे हैं, और हमारे घर बिल्कुल पानी की बूंद नहीं ना प्लेट है। हम डेली आरओ का पानी मंगवाते हैं 20-20 रुपए के, वो मंगवाते हैं जा रहे हैं सुलभ शौचालय में, हम लोग बाथरूम के लिए जा रहे हैं, और हमारे घर पानी बिल्कुल नहीं है। हमारे बच्चे परेशान है, हम बच्चों को हम स्कूल नहीं भेज पा रहे बच्चों को। पानी की समस्या पिछले 1.5 महीने से बनी हुई है। एक्शन सबों के पास, नारंग के पास, सबों के पास जा चुके हैं। हाँ देखते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। हर बार यही जवाब आता है, हाँ देखते हैं, करते हैं, करते कुछ नहीं है। थकार के यहाँ से अपना काम धंधे छोड़ के जाओ उनके पास ऑफिसों में, वहाँ से आश्वासन लेके आ जाओ, फिर चुपचाप बैठ जाओ, काम कुछ नहीं हो रहा। कितने वार्डों में नहीं आ रहे थे? हमारे वार्ड में 3 बोरिंग है, 3 बोरिंग से वार्ड 6 और 12 में भी जाता है पानी, जबकि हमारे वार्ड 11 में पानी नहीं है। 6 और 12 में पहुंचता होगा पिछले 1.5 महीने से, और 1.5 महीने से जो ये समस्या बनी है, सिर्फ 1.5 महीने से जो ये समस्या बनी है, वाटर बॉक्स वालों ने किसी के दबाव में आके 5-6 परिवार हैं मात्र, उनके लिए गेट वाल लगा दिया, उसकी वजह से 200 मकानों में पानी जाना बंद हो गया। आज हम कह रहे हैं कि उनको हटा दो, तो उसको हटाने के लिए तैयार नहीं है, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। शायद वाटर बॉक्स वालों ने, वो कमर्शियल हैं, धोबी लोग हैं, शायद पैसा लिया होगा, पैसा खाया होगा उन्होंने। उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि साहब ये पैसा ही हमने खर्च करके गेट वाल लगाया है, अगर उन्होंने लगाया तो कैसे लगा दिया, और वाटर बॉक्स ने लगाया तो 5 आदमियों के दबाव में 200 आदमियों को क्यों परेशान कर दिया, कोई नहीं सुन रहा। आज एक लिखित में सारी चीजें दे चुके हैं उनको, शायद हर दूसरे दिन ऑफिसों में जाके। वहीं एक्सीएन अमर सिंह मौके पर पहुंचे। एक्सीएन ने बताया कि पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है, अधिकांश बोरिंग में पानी कम होता जा रहा है, जिससे यह समस्या नजर आ रही है। जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाएगा। शहर में ज्यादातर ट्यूबवेलों का पानी इतना नीचे चला गया है कि जितने भी हम ट्यूबवेल खोद रहे हैं या जो पुराने ट्यूबवेल हैं उन सब में लगभग पानी ना के बराबर रह गया है। इस क्षेत्र में हमने अभी कुछ 5-7 रोज पहले एक नलकूप खोदा था, वो भी ड्राई निकला है। कुल मिला के तो पानी कम होने की वजह से पानी की समस्या है। उसमें जैसा इन लोगों का कहना है कि एक नीचे सब्जी मंडी के पास कोई क्षेत्र है तो उसमें नया ट्यूबवेल स्वीकृत करा के ट्यूबवेल लगवा दिया जाएगा, और अगर उसमें पानी मिल जाता है, मिल ही जाएगा, तो यहाँ की समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सब शहर की पूरी कैलकुलेशन अगर आप चाहें तो 360 लाख लीटर पानी हम दे रहे हैं शहर में, और लगभग 350 की पॉपुलेशन है, तो 100 LPCD के हिसाब से हम पूरे शहर में सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ जगह जो ऊंचाई पर है या जो पुराने मोहल्ले हैं वहाँ अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुँच पाता, और उन्हीं जगहों पर समस्या है। ये क्षेत्र विकास पथ वाला भी उन्हीं क्षेत्रों में से एक है जहाँ हमारे टैलेंट होने की वजह से पानी नहीं पहुँच पाता। उधर वार्ड नंबर 12 में भी पानी की समस्या को लेकर दिल्ली दरवाजा के पास रोड जाम कर प्रदर्शन किया गया। मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के अधिकारी और पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। Thank you.
है।